कम से कम ब्याह के उम्र चल गए तो कम से कम जो है समझिए बन जाओ। नगर निगम का प्यार है साहब, सब तो जताएगा ही, 300 करोड़ से ऊपर का खेल है नगर निगम में। विधायकी का खेल बहुत छोटा होता है। ताना चाहते हैं कि कोई विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि विकास जो है इस पानी में डूब के मर गया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो लगेगा, देखिए ना नारियल दिख रहा है आपको, पानी पी के, नारियल का पानी पी के विकास डूबा था, उसी का सबूत है। अगर फोरेंसिक वाला आएगा तो बता देगा आपको, विकास इसी पानी में डूब के मरा। हमको बिल्कुल मत सिखाइएगा कि ये पत्रकारिता का लहजा नहीं है, क्योंकि हम पत्रकारिता कर ही नहीं रहे। हम इस शहर के नागरिक हैं, हमें दुख होता है जब हम इस शहर में निकलते हैं, हमें दुख होता है जब हमारे घर की औरतें बाहर निकलती हैं, और हमें दुख होता है जब हमारे घर के बच्चे और आपके घर के बच्चे सड़क पर निकलते हैं और रास्ते में देख रहे होते हैं कि आखिर किस तरफ से निकला जाए तो जूता भींगेगा नहीं। दुख होता है जब उन्हीं बच्चों के बाप जब सोशल मीडिया पर लिखते हैं नेताजी जिंदाबाद। के नगर निगम चुनाव का अब गिनती से 3 दिन रह गया है और सारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम करेंगे विकास, हम करेंगे विकास और हम करेंगे विकास। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कोई विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि विकास जो है इस पानी में डूब के मर गया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो लगेगा, देखिए ना नारियल दिख रहा है आपको, पानी पी के, नारियल का पानी पी के विकास डूबा था, उसी का सबूत है। अगर फोरेंसिक वाला आएगा तो बता देगा आपको, विकास इसी पानी में डूब के मरा है। ये जो नाला देख रहे हैं ना बगल वाला, आज से 2 महीना पहले अखबार में भास्कर की रिपोर्ट थी कि 435 दिन में ये 1.5 किलोमीटर का नाला नहीं बना। उस शहर में, जिस शहर में 1.5 किलोमीटर नाला को बनने में 1.5 साल से ज़्यादा का समय लग जाए, वहाँ विकास पैदा ही नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ तो मर गया, हम बता दे रहे हैं यहाँ मरा। अब लाश खोजे सरकार की कहाँ गई, कौन गड्ढा में पड़ा है विकास। ये है मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर का नगर निगम। 5 साल पुराना खेल तो चल ही रहा है, पुराना 5 साल लोग परेशान रहे, नेताजी परेशान रहे। हर बार बारिश जब हुआ तो मोती झील में लोग मीम्स बना बना के लोग डाले शेयर मार्केट से, शेयर में किए सोशल मीडिया पे, और लोग देख करके खूब शेयर किए, नया नया जोक बना। लेकिन फिर आ गया चुनाव और फिर शुरू हो गया वही कहानी। कहानी सुने होंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसना नहीं है, लेकिन चिड़िया के नसीब में लिखा है फंसना, वो फिर फंसेगा। फिर किंग आ गए हैं मुजफ्फरपुर में, जनसेवक नहीं है कोई, और किंग मेकर भी आ गए हैं, है ना। कुछ किंग मेकर का नाम तो आप जान रहे हैं, भाई सत्ता का सुख है, जाति कहाँ है। कोई किंग मेकर पहले आ गए, कबूतर उड़ा रहे थे, कुछ किंग मेकर कहे नहीं 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 हमको नहीं मतलब है, लास्ट में वह कूद गए, नहीं 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 हमू हैं, हमू हैं, हमरो दुल्हा है, हमरो दुल्हा है, हमरो दुल्हा है, वो भी अपना दुल्हा लेके कूद गए। और कुछ किंग मेकर तो अभी गायब हैं, अभी पता नहीं चलेगा, जब किंग जीत जाएगा तब किंग मेकर आएंगे, कहेंगे याद कर जहिया कुवार रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू, तब किंग मेकर आएंगे। और जनता को वही मिला है जो पिछले 5 साल मिला, क्या मिला कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। ये मुजफ्फरपुर का नगर निगम का चुनाव है, मात्र नौटंकी भर है। कुरहनी का चुनाव हुआ बगल में, आपने देखा जाति हावी रहा, विकास का किसी के पास रोड मैप नहीं था, किसी के पास DPR नहीं था। चुनाव में कोई जीता कोई हारा, लेकिन विकास मुद्दा नहीं था वहाँ। हमने रिपोर्टिंग की थी वहाँ से और आप लोगों ने भरपूर सराहा भी था। हम फिर एक बार इस बार कह रहे हैं कि इस बार भी विकास मुद्दा नहीं है, सिर्फ किंग और किंग मेकर मुद्दा है। लास्ट में फिर वही जाके कहानी बैठेगा कि किंग मेकर जहाँ कहेगा जनता वहाँ बटन दबा देगी। पहली बार सरकार ने जनता को किंग मेकर बनाया है, लेकिन जनता है कि किंग मेकर बने तब ना। अरे जिस नेताजी नयका नयका जो नेता हुए हैं, जिनकी माँ और बहन और पत्नी और परिवार के लोग जब जाते हैं तो घुटना पर साड़ी उठा कर चलते हैं मुजफ्फरपुर के सड़क पे, वही नेताजी के उजला कुर्ता पर लटक के फोटो डालते हैं और नीचे कमेंट में लिखते हैं गहन विचार विमर्श के साथ नेताजी के साथ, गहन विचार विमर्श नेताजी के साथ, जिनको नेताजी नाम तक नहीं जानते हैं जबरदस्ती उनके आसपास लटक जाते हैं और सट के वो फोटो खाली खिंचा लेते हैं। लगता है उनको कि अगर फोटो आ गया ना, उनको लगता है उनका वैकुंठ प्राप्त हो गया है। और अब उन्हीं आदमी से आप इस मुजफ्फरपुर में स्वच्छ मतदान की आप उम्मीद करते हैं और विकास के नाम पर वोट की उम्मीद करते हैं। हमको बिल्कुल मत सिखाइएगा कि ये पत्रकारिता का लहजा नहीं है, क्योंकि हम पत्रकारिता कर ही नहीं रहे। हम इस शहर के नागरिक हैं, हमें दुख होता है जब हम इस शहर में निकलते हैं, हमें दुख होता है जब हमारे घर की औरतें बाहर निकलती हैं, और हमें दुख होता है जब हमारे घर के बच्चे और आपके घर के बच्चे सड़क पर निकलते हैं और रास्ते में देख रहे होते हैं कि आखिर किस तरफ से निकला जाए तो जूता भींगेगा नहीं।
और हमें दुख होता है जब उन्हीं बच्चों के बाप जब सोशल मीडिया पर लिखते हैं नेताजी जिंदाबाद। अरे वही नेताजी का नहीं बेरा गरक है जी, उन्हीं नेताजी का बेरा गरक है। नगर निगम का प्यार है साहब, सब तो जताएगा ही, 300 करोड़ से ऊपर का खेल है नगर निगम में। विधायकी का खेल बहुत छोटा होता है, यही कारण है कि हर किसी को किंग मेकर बनना है। कम से कम ब्याह की उम्र चल गई तो कम से कम जो है समझिए बन जाओ, ये ख्वाहिश सबकी है। और ये नगर निगम चुनाव है, अब आखिरी में बता दे रहे हैं, ये इलाका है बैरिया से लक्ष्मी चौक के बीच का, पानी अभी भी चल रहा है। आप ही नहीं कहिएगा कि जो है सावन है तो बरसवे करेगा, बरसात का पानी नहीं है, सालों भर ऐसे ही पानी है। यहाँ नाला 1.5 साल से बन रहा है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में लोगों को जब दर्द जो है ना टीस मारता है, जब कोई कह देता है कि आपका शहर तो स्मार्ट सिटी में है, अरे भाई तो शहरे नहीं है, न नाला है न सड़क है, आदमी को दिक्कत होती है, नाला का ढक्कन गायब है। पहले लोग गिरते थे तो पानी देह में भींगता था, अब गिरते हैं तो छड़ घुस जाता है, ये स्थिति है। ये मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति है। जब वोट कीजिएगा ना भाई साहब, हमारा वीडियोवा याद कर लीजिएगा, खराब लगेगा कमेंट बॉक्स में गड़िया दीजिएगा, भल कबूल है, लेकिन कम से कम वोट दीजिएगा तो ठीक से दीजिएगा, अपील है आपसे हाथ जोड़ के। नहीं तो फिर अगला 5 साल ना ऐसे ही बाप बाप कीजिएगा, और कोई नेता जो है ना फॉर्चूनर के नीचे टांग नहीं रखेगा, कोई सोफा से नहीं उतरेगा, कोई फॉर्चूनर से बाहर नहीं निकलेगा, और आप और हम जो है वो सिर्फ हंगामा करते रहेंगे, और पता चलेगा बीच बाजार में चिचियाएंगे, हो तो मोटरसाइकिल उठाना था, मोटरसाइकिल उठा था, और उस समय में आपका फोटो DPR जब DP देखिएगा ना नेताजी के साथ, नेताजी को लटक के नेताजी के गर्दन पे, बड़ा खराब लगेगा। कुल मिलाकर के हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, किसी एक पर निशाना नहीं है, सब पे निशाना है। और संबोधन में हर नागरिक को कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर की नागरिक को, जिसको वोट देना है इस शहर में, पार्टीगत चुनाव नहीं है, इसलिए नेताजी के आकर्षण से बाहर निकलिएगा, असली मुद्दों पर समर्थन कीजिएगा, कैंडिडेट पर समर्थन कीजिएगा। कैंडिडेट आज से कल तक खूब दौड़ेंगे आपके यहाँ, कल शाम को 5 बजे चुनाव बंद हो जाएगा, मतलब चुनाव का प्रचार थम जाएगा। तो जो भी आज से कल तक भीख मांगने आएंगे नेताजी, उनसे विकास का 5 लाइन जरूर पूछिएगा, और उनसे कहिएगा कि जनाब चुनाव के बाद हम आपसे भेंट करेंगे अगर विकास नहीं हुआ तो, और इस शर्त के साथ ईमानदारी से वोट दीजिएगा। सिर्फ आप परेशान नहीं होइएगा साहब, आपके घर के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब परेशान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बचाइए मुजफ्फरपुर शहर को, सरकार ने एक मौका दिया है आपको। पहले पार्षद का खेल होता था, याद रखा जाएगा ये पिछला 5 साल याद रखा जाएगा, फर्दों का खेल, जब कोई IAS ऑफिसर JCB पर चढ़ के नाला साफ और करवा रहा था, और शहर में राजनीति गरमाया हुआ था, कमीशन का खेल था। याद रखा जाएगा कि जब इस शहर के विधायक साहब गायब थे और शहर पे पानी चलता था, पुरनका नया दोनों समेट लीजिए ना, हमको किसी से दोस्ती किसी से बैर नहीं है। याद रखा जाएगा कि बार बार अविश्वास प्रस्ताव आता था, और बार बार पैसा लेकर के विश्वास बन जाता था, विश्वास खरीदा और बेचा गया है यहाँ पैसों पर, ये मुजफ्फरपुर नगर निगम है। सब बात याद रखिएगा, निष्पक्ष रूप से जिसको भी समर्थन दीजिएगा, सिर्फ विकास 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 के नाम पे समर्थन दीजिएगा। इस पानी में एगो विकास डूब के मर गया है, शायद इस चुनाव में एगो विकास पैदा ले ले, तो विकास पैदा कर दीजिएगा। आपसे निवेदन रहेगा, आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।